महीने जी हाँ, पत्रकार उत्पीड़न के कारण पत्रकारों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पे बैठे। लोकेशन एटा, जिला एटा में नगर पालिका परिषद के कर्मचारी यशवीर सिन्हा यादव द्वारा स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल के पत्रकार मोहित ठाकुर के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पत्रकारों के साथ मारपीट की घटना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। देश के चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों के साथ इस तरह की घटना स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र की हत्या करने के बराबर है। पत्रकारों ने एटा जिलाधिकारी को इस घटना संबंधित एक ज्ञापन सौंपा गया और आग्रह किया गया कि पत्रकारों पर इस तरह घटना पर लगाम लगाया जाए और दोषी कर्मचारी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जब तक दोषी कर्मचारी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तब तक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। बहुत दुख है कि पत्रकारों के धरना प्रदर्शन के दौरान किसी भी तरह की सुरक्षा व्यवस्था नहीं किया गया, न ही कोई सुध लेने आया। जिला प्रशासन पर एक सवाल या निशान लगाया है। जिस तरह जिला प्रशासन बेखबर है वहाँ देख पत्रकारों में आक्रोश फैल गया है, वही सभी पत्रकार गोलबंद होने लगा है। जब तक दोषी कर्मचारियों को सजा नहीं मिलेगा तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। संवाददाता मानपाल सिन्हा, इंडियन टीवी न्यूज। और भी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ताकि हर खबर मिले आपको सबसे पहले।